कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद अब बच्चों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। एक निजी महाविद्यालय में 3 दिवसीय निनाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके दूसरे दिन आज वैज्ञानिक मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई। महाविद्यालय के निदेशक डॉक्टर राघव प्रकाश ने बताया कि प्रदर्शनी में बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक किया जाएगा। जयपुर के सारे कॉलेजेस के बच्चों के बीच में एक साइंटिफिक टेंपर, वैज्ञानिक सोच है वो पैदा किया जाए, और इसलिए हमने कॉलेजेस को आमंत्रित किया। उसमें 35 कॉलेज भाग ले रहे हैं और वे बच्चे बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स बना के आए हैं। वर्किंग मॉडल्स भी हैं और दूसरा एकेडमिक मॉडल्स भी हैं। वो उससे मॉडल्स के माध्यम से वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सौर ऊर्जा, जिसमें राजस्थान बहुत पूरे देश में लीडिंग है, सौर ऊर्जा किस प्रकार से काम करती है उसके बारे में मॉडल्स बनाए उन्होंने। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एनवायरनमेंट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, बॉडी हमारी कैसे फंक्शन करती है और उसको कैसे और अच्छी तरह से फंक्शन करवाया जा सकता है। इसी प्रकार से और दूसरे केमिकल चीज़ों में, केमिकल इंडस्ट्री में इसमें कैसे काम किया जा सकता है। तो विज्ञान को लेकर के एक अच्छा बोध, एक जागरूकता हमारे बच्चों में आए, वे आगे चल करके बहुत अच्छे वैज्ञानिक बने। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन गैस बनाने के लिए हमने Ca2+ कैल्शियम कार्बाइड और 2 मोल अणु के लिए हैं। उसके साथ में हमें एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। एसिटिलीन गैस के साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसके अब यूजेस देखिए, इसका यूजेस वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ इसका यूजेस कटिंग के लिए किया जाता है और फलों को पकाने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ अभी जो न्यू फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज किया जा रहा है, जो एंटी ट्यूमर कैंसर के लिए भी इसका यूज किया जाने लगा है।